तो वेलकम बैक टू माई चैनल इंडो कैनेडियन ब्यूटी। आज हम आए हैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने। इस रेस्टोरेंट का नाम है सिजलिंग ग्रिल्स। यहाँ पे आपको लाइव बारबेक्यू करके दिखा दी, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो मेन्यू इनका। तो ये इनका मेन्यू, यहाँ पे क्लोजर, यहाँ पे वेजिस वेजिटेरियन जो ग्रिल है वो है $36 का, नॉन वेजिटेरियन है $40 का। तो यहाँ पे आप एपेटाइज़र ले सकते हैं। एपेटाइज़र्स के ऑप्शंस है कबाब, मेन कोर्स। मेन कोर्स में आप दो चीज़ें ले सकते हो, दाल उसमें ऑलरेडी आएगी तो एक साथ में कोई भी सब्जी ले सकते हो। और उसके बाद आपको मिलेगी इनमें से इंडो चाइनीज़ में आप डिसाइड कर सकते हो, एड डेजर्ट कोई भी ले सकते हो डिज़र्ट। नॉन वेजिटेरियन में आपको नॉन वेजिटेरियन डिश मिल जाएगी। हम वेजिटेरियन हैं तो हमने वेजिटेरियन लिया। अभी ये यहाँ पे लाइव ग्रिलिंग करके दिखाएंगे हमें, तो हमारे सामने ही प्रिपेयर होंगी चीज़ें। तो ये हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो हम वहाँ यहाँ से वैसे काफ़ी टाइम आए हैं हम 2-3 times। तो ये ग्रिलिंग का जो एक्सपीरियंस है ये भी हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। तो हमने ग्रिल्स इनका ट्राई नहीं किया, तो वो हमने सोचा कि क्यों ना वैलेंटाइन डे स्पेशल डे है तो इसी दिन क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो इसलिए हम सिजलिंग ग्रिल पे आज अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो ये डिफरेंट भी चीज़ लगी हमें, तो हम इस वैलेंटाइन पे डिफरेंट करना चाहते हैं। हमारा सूप आ गया, तो इन्होंने स्टार्टिंग सूप से की है, तो अशको तो पसंद आया। पोट एंड सावर सूप कैसा है? सही है। तो आउट ऑफ 10 हाउ मेनी? 10/10। गरम है। गरम है तो अश को तो काफ़ी पसंद आया, चलिए अब मैं भी ट्राई करूँ। ये ली सच में बहुत टेस्टी है, तो काफ़ी गर्म है और टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा है। 8/10। जो सूप है उसका तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और जो बाकी डिशेज हम बनाएंगे तो वो देखते हैं वो कैसी आती हैं। जो फर्स्ट थी तो वो तो काफ़ी अच्छी थी, इससे पहले उन्होंने जो हम आए तो जब हम आए थे तो उन्होंने वेलकम के लिए पापड़ दिए थे हमें, तो उसके बाद हमें सूप आया। तो अब हमने इसके बाद एपेटाइज़र ऑर्डर करने लगे हैं। तो एपेटाइजर में हम सोच रहे हैं एक पापड़ी चाट और मंचूरियन, थोड़ा करके देखते हैं। हमारा पापड़ी चाट आ गया है, इन्होंने ऑलरेडी अपने आप ही ला के दे दिया है। देखिए पापड़ी चाट देखने में तो बड़ा यम्मी लग रहा है, बाकी इसका हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसा है। देखिए कैसा है? अच्छा, अच्छा ये भी अच्छा मीठा अच्छा। ये भी आइटम आज को अभी तक तो पसंद आई है, तो हम भी ट्राई करते हैं। अच्छी है। ये देखिए ग्रिल स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो बस ये रेडी है कुक होने के लिए। ये अंदर से ही लेके आए हैं ये सारा जो है, तो चलिए। ज़्यादा तो नहीं है। No. It's too much. ये हमारी सोया चाप आ गई है, ये डिफरेंट है, ये हरियाली लबाबदार है और ये मलाई लबाबदार है, ये पनीर टिक्का है एंड ये सोया चाप है, आई थिंक तंदूरी सोया चाप लग रही है ये मेरे को। और नो, ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल चाप। या ये जो लास्ट वाली है ये है पनीर टिक्का। तो चलिए अभी ये अपने आप ही ग्रिल करना है, तो यहाँ पे ग्रिल होएगा ये हमारे सामने, जितना करना है कर सकते हैं हम। ग्रिल होने के बाद हम आपको दिखाएंगे खा के कि टेस्ट वाइज ये कैसे हैं। चलिए ये सोया चाप मैंने पहले ट्राई की हुई है, सोया चाप खाई हुई है, पनीर टिक्का खाया हुआ, ये नहीं खाया हुआ मैंने कभी, पाइन एप्पल चाप और ये हरियाली सोया चाप भी नहीं कभी ट्राई की मैंने, और ये क्रीम वाली भी कभी ट्राई नहीं की।
तो ये तीन है जो डिफरेंट है। चलो बाकी हम आपको सबके रिव्यू देंगे कि सारी खाने में कैसे है। पाइनएप्पल वाला हमारा रेडी हो गया है, तो हमने ज़्यादा ग्रिल नहीं किया उसे, तो अश पहले उसको ट्राई करके देख रहे हैं। इसमें स्पाइसेस भी डाली हुई है थोड़ी सी स्पाइसेस हैं उसमें ऐसे। तो भी अच्छी है खाने में, स्पाइसी है। बाकी अभी हमारा ग्रिल हो रहा है, बाकी अभी अच्छे से हुए नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं कि बाकी भी हो जाए जल्दी। ये देखिए बाकी अभी हुआ नहीं अच्छे से। चलिए तब तक हम ये खाते हैं पाइनएप्पल। पनीर टिक्का भी हमारा रेडी हो गया, ये देखिए अब ये ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है। मुझे पता नहीं है, पनीर का मेरे को स्पेशल छोड़ी। ये कैसा है कैसा है टेस्ट? ठीक है, मैं पनीर खाता नहीं। कोई कच्चा का फ्लेवर तो नहीं आ रहा, जैसे क्योंकि पनीर टिक्का अलग अलग होता है सबका, कुछ का जैसे किया। ओके, क्योंकि समटाइम्स कहीं का कच्चा हो जाता है ना। पनीर का मैं ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, तो ठीक है मेरे लिए तो ठीक है। रेडी हो गई है, ये भी कुक हो गई ऑलमोस्ट, तो अब इसको करके देखते हैं कि ये कैसी है। बाकी तो जो हमने दोनों किए हैं वो तो टेस्टी थी, ये अभी हुए नहीं है, तो इसका मैं बताती हूँ खाके कैसा है ये। बहुत गर्म है अभी, फिंगर आपका टेस्टी है, खाने में तो अच्छी लगी हमें। अभी तक तो हमने जितना खाया यहाँ का, जैसे हमने पहले पाइनएप्पल खाया था वो भी टेस्टी था, पनीर टिक्का भी टेस्टी था, और ये भी हमें टेस्टी लग रहा है खाने में। ये हमारी लेयरली चाट भी प्रॉपर ग्रिल हो गई है, तो हम इसे ट्राई करते हैं, ये लास्ट ही है, बाकी हमने सारी ट्राई आपको करके बता दी है कि सारी कैसी है। तो चलिए ये लास्ट भी आपको दिखा दें। ये भी अच्छी है, वही बात थी जो सोया चाप थी जो पहले खाई थी, तंदूरी सोया चाप, वो ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे एज़ कम्पेरिजन मलाई चाप और हरियाली चाप से, तो आई विल गो विद सोया चाप नेक्स्ट टाइम। चलिए भी आ गया, ये ब्रेड बास्केट, ये दाल बुखारा, ये पनीर टिक्का लबाबदार और साइड अनियंस। तो अब इसे करते हैं हम ट्राई और बताते हैं आपको ये खाने में कैसे हैं। बाकी चीज़ें तो हमें अच्छी लगी और हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो खाने में कैसी है, तो चलिए अब ये भी दिखाएं आपको कैसा ये खाना। मैंने तो अच्छा ही होता, खाना भी अच्छा ही है। खाना तो हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, नान और ये सब्जियाँ, तो ये ऑलरेडी ऑलवेज इनका अच्छा निकला हमारा, तो इसीलिए यहाँ पे हम आए हैं। तो ये जो नान बास्केट होती है इसमें तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, गार्लिक नान एंड लच्छा परांठा सब कुछ इंक्लूड होता है, तो इसीलिए हमने सारी नान बास्केट ही मंगा ली कि सेपरेट की बजाय हमें सबका पता चलेगा कि सब खाने में कैसे हैं ये, बिकॉज़ हम ऑलवेज प्लेन नान ऑर्डर करते हैं। तो चलो हमारा सारा ये खाना ख़त्म हो गया, तो अब हमारा डिज़र्ट आने वाला है, तो हम बहुत ज़्यादा फुल हो गए हैं, बहुत कुछ हमने खा लिया, इतना खाया है, तो अभी और खाने की गुंजाइश नहीं है, बट डिज़र्ट तो बनता है एंड पे। हम पंजाबी और इंडियंस को तो डिज़र्ट एंड पे ना मिले तो पूरे खाने का मज़ा नहीं आता, तो बस डिज़र्ट खाते हैं, देखते हैं डिज़र्ट में क्या आता है। ये हमने गुलाब जामुन मंगाया और उसका गजरेला है, तो आइसक्रीम भी ऑप्शन होती है इनके पास कि अगर आप आइसक्रीम लेना चाहते हो तो आइसक्रीम भी ले सकते हो, बट हमने अब बात ठंडा है तो हमने यही चूज़ किया है, सर्दी के मौसम में हमें यही टेस्ट लगता है। तो चलिए कैसा लग रहा है ये कैसा है? स्वाद थोड़ा ठंडा पर ठीक है, थोड़ा ठंडा है कहते हैं, ठीक है टेस्ट वाइज ठीक है, तो चलो ठंडा थोड़ा बहुत तो चल जाता है, चलो खाने में टेस्टी है।
आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है मेरे के साथ, क्योंकि एंड पे मीठा खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लाइव रीलिंग करना चाहते हो, अपने सामने बैठ के देखना चाहते हो, खाना चाहते हो बना के खुद, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये सिजलिंग रील है, कैलगरी में ही है ये। तो इनका खाना तो हमें सब कुछ ठीक लगा, अच्छा लगा हमें। तो हम पहले नान वगैरह तो हमने यहाँ पे ट्राई ऑलरेडी किए हुए थे, सब्जी और नान, तो हमने भी लाइव रीलिंग पहले बार ही की थी और आपके साथ ही हमने ये ब्लॉग शेयर किया। तो हमने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।